हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल राहुल जोन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नई राशन कार्ड लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, सरकार ने कई लोगों के राशन कार्ड जो है निरस्त कर दिए हैं, यानी कैंसिल कर दिए हैं। तो आप नई लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस तरीके से आपको अपने मोबाइल के गूगल क्रोम पर आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ इस तरीके का पेज खुला हुआ है। तो इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ सबसे ऊपर लिख के आ रहा है ज़िले का नाम। तो आपका जो ज़िला है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो हम एक ज़िला यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने अपने ज़िले पर क्लिक कर लिया है। ज़िले पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने दो ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, एक शहरी क्षेत्र यानी नगरीय क्षेत्र और एक ग्रामीण क्षेत्र। तो अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी क्षेत्र देख लीजिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण क्षेत्र देख लीजिए। तो इस तरीके से हम हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र पे हम एक अपना जो है ब्लॉक चुन लेते हैं। तो हमने ये अपना ब्लॉक चुन लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन हुआ है, यहाँ पर हमारे जो ग्राम पंचायत आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो भी ग्राम पंचायत लगता हो, इस तरीके से जो भी आपकी ग्राम पंचायत लगती हो तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो हम अपनी ग्राम पंचायत पे इस तरीके से क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, अब हमारे सामने नई लिस्ट ओपन हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आया है दुकानदार का नाम, पात्र गृहस्थी और अंत्योदय और योगदान। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ जो लिखा हुआ है पात्र गृहस्थी, राशन कार्ड और लाभार्थी। तो हम यहाँ पर 756 जो लिखा हुआ है नीले से, इस पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरी लिस्ट आ चुकी है हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे। पूरे हमारा जो क्षेत्र है उसकी लिस्ट जो है आपके सामने है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऊपर लिख के आ रहा है डिजिटल राशन कार्ड संख्या, धारक का नाम, पिता, पति का नाम, माता का नाम, कुल यूनिट कितनी यूनिट मिल रही है, डिजिटल कार्ड जारी कब किया गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी जानकारी दी। अगर आपको यहाँ पर उनकी यूनिट देखनी है कि उनको कितना राशन मिल रहा है, कितने लोगों को मिल रहा है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल राशन कार्ड संख्या। तो जो संख्या आपको यहाँ दिख रही है, इस तरीके से आपको उसी पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है नया पेज ओपन हुआ है। इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ रहा है डिजिटल राशन कार्ड संख्या, उनके कार्ड की संख्या भी आ गई है, किस प्रकार का कार्ड है, दुकानदार का नाम, दुकान की संख्या और धारक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे धारक के संबंध यानी स्वयं, उनके पति और बेटी, ये तीन यूनिट मिल रही है उनको, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप भी चेक कर सकते हैं राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम। तो दोस्तों, ये तो है उत्तर प्रदेश वालों के लिए। अगर आप भी अपने स्टेट का जानना चाहते हैं जिले, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाकर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।